मैं भी लेट हूँ। नहीं समाचार लेट हो। किशनगंज में सभी मेट्रो का काम अच्छा था, लेबर का काम अच्छा है, सब जगह पर पानी रखा था, पिलाने की पूरी व्यवस्था थी उनको साहब के निर्देशानुसार और टास्क के अनुसार 200 से 210 के बीच में पेमेंट किया जा रहा है। मिसाई नरेगा निरीक्षक तलाई के काम पर एक भी लेबर नहीं मिली, लेबर अनुपस्थित थी, सीओ साहब ने वीडियो साहब ने खुद ने मौजूद थे और जब उनसे पूछा कि भाई तुम छाया में क्यों बैठे हो इतनी दूर आके, तो वो उन्होंने वीडियो साहब से और सीओ साहब से अभद्र व्यवहार किया, दोनों मेट्रो को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। तीसरे फिर बरूनी तलाई पर जब काम देखा पाँचों चार मैट एबसेंट थे, एक मैट ने चार की लेबर वो मस्टो ले रखी थी, चारों मैटों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद लोल के पहुँचे, लोल क्या में मैट राजीव ने, ओम प्रकाश ने और रोजगार सहायक रामचंद्र ने सिंधु को रोजगार दिए जाए। और सबसे बड़ी बात है कि जो प्रवासी मजदूर हैं जो बाहर के लोग यहाँ निवास कर, उनका भी हमने झोपड़ बनाया, लगभग 350 झोपड़ हमने बना दिए उनके। और आज हम लोग सभी चेक करने गए थे नरेगा साइट्स को, जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी हमारे AN साहब और हमारे JN सभी लोग गए थे, जिन्होंने किशनगंज में हमने चेक किया, वहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है और सभी को 200 से लेकर 220 रुपये श्रम दिया जा रहा है। एक जगह गए लेकिन वहाँ पर श्रमिक मिले ही नहीं, जो मिले वो बहुत ही दूर बैठे हुए थे, तो उनको जिसमें CO साहब भी थे कि वो आए नहीं किसी काफ़ी देर तक, क्योंकि अधिकारी तो जाते हैं वो तो काम ही देखेंगे, इतना टाइम था नहीं। फिर बाद में कोई व्यक्ति था गिरिराज नाम का, जो हमसे CO साहब और मेरे से बहस करने लगे और उन्होंने उंगली दिखाते हुए जो CO साहब ने उनके खिलाफ FIR के भी निर्देश दिए हैं। और उसके बाद में हम लोग गए वहाँ पर लोल के ब्रजनगर में, तो वहाँ पर जैसे भी से काम हुआ मिला वहाँ पर रोजगार सहायक है उसको हटाने के निर्देश हम कलेक्टर साहब को दे रहे हैं, कलेक्टर साहब से निवेदन करेंगे। दूसरा बरूनी में भी चेक किया, जब भी 5 मिनट नहीं मिले लेकिन काम ठीक था, और वैसे सभी को जो जितना काम कर रहा है हम उसको उस उतना ही दाम दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही। ये आज जो मिशाई में जो काम कर रहे थे मजदूरों में।